नरेंद्र मोदी जी ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ का मुख्यमंत्री के हर विदेशों को अपने दिल्ली में लेकर बैठक करा दिए। मोदी है तो सब कुछ है, नहीं तो ये लोग आएगा तो खपी लूटे। मोदी तो काला धन निकाला, सही नहीं लग रहा। पैसे नहीं कमाने का मिल रहा तो पेट कैसे भरा। हम लोग अच्छे दिन कमाएंगे मजदूरों के। कहाँ विकास है और गरीबी आ गई रोड पर, विकास कहाँ है? बीजेपी सरकार है, देखिए भुखमंगी 15 लाख रुपया के नरेंद्र मोदी का खाता में, सबका खाता जनधन का है। नमस्कार, मैं अजेश चाक्य और आप देखना चालू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। इस बार 2024 का इलेक्शन बहुत ही जोरदार होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार लेबर के पास जा रहे हैं उनकी समस्याएं सुनने के लिए, या कुली हो, बड़ाई हो, या बाइक राइडर हो, या कोई भी हो, सबके पास जा रहे हैं, डिलीवरी बॉय के पास जा रहे हैं। और वहीं पर प्रधानमंत्री इस समय जो नरेंद्र मोदी हैं वो भी लगातार अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, प्रधानमंत्री तो किसी को भी बनना है। उसी के लिए आज जनता के बीच में आ चुके हैं हम। देखिए भीड़ कितनी सारी हो चुकी है, सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इनकी क्या राय है, ये इस बार किसको पसंद कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? तो भैया क्या लग रहा है, इस बार कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कोई नहीं, आप भी बता दो किसको प्रधानमंत्री। क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी बनेंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं बनेंगे? राहुल गांधी क्यों नहीं बनेंगे? वो मानकर चलिए कि वो विकास कर रहे हैं, विकास के चलते हुए हम लोग का भी विकास है। यहाँ पर के पास तो राहुल गांधी जा रहे हैं, ठीक है, जाने दीजिए, क्यों नहीं भोजन चला रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ, मान कर चलिए कि रंगबाजी पहले हो रहा था, अब रंगबाजी नहीं हो रहा है, दुख जा रहे हैं ना, अब आया उनको समझ में जाएंगे। अरे अरे समझ में आया तो अभी तक ना गए थे कहीं, अभी तक कहाँ गए थे? आप जा रहे हैं ना, आप जा रहे तो जाने दो, उनसे उनसे हमें क्या लेना देना है। अच्छा भैया आप क्या काम करते हैं? हम तो भाई ढोलक का काम करते हैं, ढोलक रिपेयर करते हैं, बनाते हैं भाई। अच्छा, तो कैसा चल रहा है, किस बार इसको 24 में? अभी इस टाइम तो थोड़ा हल्का फुल्का काम है भाई, नौरातों की वजह से नहीं, नौरातों में हमारा काम सही चलता है भाई। तो क्या बोलना चाहेंगे सरकार? हम सरकार से यही बोलना चाह रहे हैं भाई, गरीब आदमियों की थोड़ी देखभाल करें भाई। थोड़ा ढोलक के साथ बताएंगे? हाँ, ढोलक ढोलक के साथ ही बता रहे हैं भाई अभी तक तो, क्या ढोलक का काम अभी थोड़ा हल्का फुल्का चल रहा है। मोदी जी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा गरीब आदमियों के लिए जीत तो रहे हैं, थोड़ा गरीब आदमियों के लिए भी गा के बताएंगे अपने बारे में, गा के बताएंगे। क्या गाना ही बना पड़ा है अभी तक तो हमारा, बजा देना भाई। अब क्या बोले भाई, पता नहीं अब कौन जीते, राहुल गांधी या मोदी। अच्छा, अभी जीतने के बाद ही पता लगे। जनता तो कह रही है मोदी दोबारा आएंगे, तो दोबारा मोदी आएंगे तो देखो भाई, उनका इलेक्शन तो पूरा हो गया, वैसे योगी नाथ जीतेंगे अब तो, वही उनकी प्रधानमंत्री बनाओगे। राहुल गांधी को क्यों नहीं बनाना चाहते? अब वो तो जीतने के बाद ही पता लगेगा भाई, राहुल गांधी जीतेंगे या मोदी जी जीतेंगे। राहुल गांधी को क्यों नहीं बनाना चाहते, क्या कह रहे बताओ? नरेंद्र मोदी ऐसे चीजें अच्छे अच्छे विकास किए हैं, अच्छे अच्छे काम किए, राहुल गांधी क्या किए हैं? क्यों नहीं किए, क्या सत्ता में लाओगे तब ना करेंगे? और सागर में क्या, नरेंद्र मोदी तो अच्छे अच्छे काम किए, बताओ मेरे को। 70 साल कांग्रेस क्या किया? 70 साल कुछ काम बहुत अच्छे विकास किए हैं। 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? कुछ नहीं किया। क्या किया है कांग्रेस, जरा कांग्रेस कुछ किया है तो मेरे को बता दो, जो यहाँ की काम किया है। बीजेपी ने क्या किया, गिना दीजिए इनको, गिना दीजिए। हाँ, बहुत अच्छे काम किया है। क्या काम किया आपको, जो जो चीज भारत में सुविधा नहीं था वो नरेंद्र मोदी कर दिए। क्या क्या? बहुत चीज आप देख लो, बहुत चीज तो ठीक है, क्या क्या किए हैं एक तो गिनवा दीजिए ना। जनता खड़ी है यहाँ पे, जानता खड़ी है, क्या जानता गाड़ी है? नरेंद्र मोदी जी ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ के मुख्यमंत्री के हर विदेशों को अपने दिल्ली में लेकर बैठक करा दिए, हर चीज कोई कोई करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। अच्छा, विदेशों के हर जगह के, हर इंग्लैंड के लगे के सारी जगह के मंगा दिए, गली गली में रोड बना दिया, हाईवे बना दिए, हर चीज दिए, लेबर के सुविधा भी दिए है। और नरेंद्र मोदी बहुत चीज गली मकान दिवा लिए, सब चीज दिए नरेंद्र मोदी। योगी की, राहुल गांधी जी क्यों नहीं पसंद आ रहे प्रधानमंत्री के लिए, कौन सा चेहरा सही लग रहा है इस बार? हमें तो पसंद है भाई राहुल गांधी। अच्छा, हमें तो पसंद है राहुल गांधी, पसंद है हमें तो। लोग मना कर रहे हैं, राहुल गांधी नहीं बनवाएंगे प्रधानमंत्री। क्यों नहीं बनवाएंगे? बीजेपी वाले कह रहे पप्पू है, पप्पू पप्पू तो इनका पास हो रहा, ये पागल बन रहे, पागल बन रहे। कैसे पागल भाई? विकास दिखाई दे रहा है ना, विकास जो कह रहे हो रहा है अभी तक के, विकास बहुत चल रहा है, पैदा नहीं हुआ अभी तक विकास। क्यों नहीं पैदा, क्यों नहीं हो पाया अभी दिखाई देगा ये रोड पे, पहले 50 बंदे खड़े हुए थे। क्या कह रहे हैं चाचा? दारू पिएगा तो विकास होगा, दारू में पैसा चला जाएगा। अगर मोदी है तो सब कुछ है, नहीं तो ये लोग आएगा तो खपी लूटेगा। ये लूटेगा रोड पे 50 बंदे खड़े हुए थे, अब यहाँ 150-200 खड़े हुए, इनसे ही पूछ लो। मोदी से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है। अगर देश आगे बढ़ रहा है ना तो हम भी आगे बढ़ेंगे, देश नहीं आगे बढ़ेंगे तो क्या घंटा। बेरोजगारी बढ़ गई है, कहाँ बढ़ा है बेरोजगारी? मैं 10 साल हो गए, तुम कितना आगे बढ़ गए? सुनो, कल मैं रिक्शा चलाता था, आज से 40 साल से मैं रिक्शा चला रहा था, कल मोटरसाइकिल पे लिया हूँ, कल ही मोटरसाइकिल लिया हूँ। हाँ,
मोदी जी के 10 साल कार्यकाल के बाद मोटरसाइकिल ले पाए, सही लिए, बड़ा लंबा समय क्या, क्या हो गया लिया ने, जो लिया तो 10 साल से रिक्शा 40 साल से रिक्शा चला रहे थे, लिया तो मोदी चाचा ने तरक्की कर ली बीजेपी की सरकार में भाई, हमने इसकी वो हमारे साथ में ही रहे हुए हम भी देखे हुए हैं, मगर हमने इसकी वो मोटरसाइकिल नहीं देखी, ये तो देखी ना, झूठ बोल रहे हो, सही देखो अभी यही है, साथ ही रहे हैं भैया, साथ में रहे हैं, वहीं पे मेरा कागज वो सब बना हुआ है, बन गया है, आ जाएगी, दो तीन आ जाएगी, कागज गाड़ी भी आ गई, लड्डू नहीं खिलाए लग रहा है, खिलाएंगे लाएंगे तब ना, पहले गाड़ी के सीखेंगे भी तो, लड़का चलाता है अभी घर पे, लड़का चलाता है, मैं लेके आते ठोकते किसी को, एक सवाल इनका है, कह रहे के देखो पहले यहाँ 50 लोग खड़े होते थे, अब यहाँ 150 लोग खड़े होते हैं, बेरोजगारी बढ़ गई, देख रहे हैं ये आदमी नहीं देख रहे हैं ना, पैदा करेगा 50 आ कमाने वाला होगा एक तो कहाँ से होगा, कितने पैदा कर रखे भैया ने, 5 किया हुआ, फिर हमारे तो दो ही हैं, हमारे तो भाई दो ही हैं, स्विगी के बारे में क्या बताओ, बेचारा जितना काम आता है उतना देता है, उसमें क्या बताना है, काम तो कंपनी के पास जितना होगा उतना ही देगा, आंटी जी कैसा चल रहा है काम धंधा, अच्छा इसका होता कौन प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे लग रहे हैं या राहुल गांधी को बनाया है, सही लग रहा है मोदी, सही लग रहा है, हाँ। मोदी तो काला धन निकाला, सही लग रहा है, 15 लाख आ गया, हाँ। 15 लाख कहाँ से आ जाएगा, अच्छा रोजगार कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, फिर कैसे सरकार अच्छी हो गई, रोजगार तो मांगता है ना, घूर के जाते हैं यहाँ से, अम्मा कैसा नहीं बढ़ता भैया, गरीब आदमी मर रहा है भूखा, अच्छा कहाँ मिल रहा है पैसा, नहीं कमाने का मिल रहा तो पेट कैसे भरे, अच्छा कांग्रेस की सरकार कैसी थी, अरे कहाँ कैसी थी, जब हमारा कुछ मिलता नहीं तो कहाँ करिए, नहीं पहले वाली सरकार, पहले वाली सही था, पहले सही था, हाँ पहले सही था, दोबारा चाहते हो आए, हाँ दोबारा चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि सब 70 साल में बर्बाद कर दिया था देश को, ये कह रहे हैं जो अब है सरकार में, नहीं ये सब गलत है, क्या कह रहे हैं, जगह मोदी सरकार सही है, मोदी सरकार सही है, हाँ अम्मा कह रही है कि पहले वाले सही है, नहीं नहीं ये आया तो बहुत काम किया, बहुत काम किया, मोदी सरकार अच्छा अच्छा काम किया तो सही है ना, अच्छा पेट भरने का मिलता है, भैया जी आप जानना चाहेंगे एक 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 सवाल है सिर्फ कि प्रधानमंत्री पद के लिए इस बार राहुल गांधी भी मैदान में है और मोदी जी तो ऑलरेडी है प्रधानमंत्री, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कौन सा चेहरा अच्छा है प्रधानमंत्री के लिए, भाई साहब इस समय तो मोदी जी अच्छे हैं चाहे कोई भी कुछ कर ले, अभी के दौर में 5 साल तक कम से कम मोदी जी ही रहेंगे, अच्छा। उसके बाद आगे देखी जाएगी जो भी, अच्छा राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते, अभी इस समय नहीं बन सकते क्योंकि इस समय कोई आ ही नहीं सकता है, जो मोदी जी काम कर रहे हैं उसके अलावा, नहीं वैसे हैं प्रधानमंत्री लायक हैं राहुल गांधी, नहीं अभी तक तो नहीं है, क्यों नहीं है, उनके पास वो बोलने की वही नहीं है, ताकत नहीं है, ताकत नहीं है, जा तो रहे एक्सपीरियंस ले रहे हैं लेबर के पास, कुली के पास, स्विगी वालों के साथ, बहुत सारे लोगों के पास जा रहे हैं, आज तक तो हमारे पास आया नहीं, हमें भी इतने साल हो गए काम करते हुए, हमारे पास तो कोई भी नहीं आया, क्या करते हैं आप, स्विगी में काम करते हैं, में करते हैं, नहीं वो मिले थे अभी ब्लिंकिट वालों से भी मिले थे, मिले होंगे हमारे पास तो कभी आए नहीं आज तक, गरीब लोगों से मिल रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, वो लगातार पता नहीं कौन सी गरीब से मिल रहे हैं, आज तक तो मैंने देखा नहीं, यहाँ भी झुक गया है आज तक तो मैंने देखा नहीं किसी को भी आते हुए कोई भी नेता को, ऐसी ढोकलेबाजी चल रही है सबकी ऐसी है, भैया क्या लग रहा है इस बार कौन है, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, ये तो सब इतनी बुराई कर रहे हैं कांग्रेस की, कैसे ले आओगे अकेले खड़े होके तुम, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे बनाएंगे, कब तक, अभी तो जागेगी दुनिया, दुनिया जागेगी, आँख खुलेगी कभी, कहाँ बंद हो गई थी, क्या बंद है अभी, कब से बंद हो गई थी, बहुत टाइम हो गया बंद है, कभी तो 10 साल से बंद थी, 10 साल से क्यों बनती है, अभी इन्हीं से पूछो ना, इन्हीं तो कह रहे हैं जग रही है तो अभी 10 साल से बंद है, जब जगेगी जगेगी तो जगेगी, क्या कह रहे हैं भैया, हम बोल रहे हैं हम लोग अच्छे दिन कमाएंगे मजदूरों के, अच्छा अच्छे दिन कमाएंगे, हाँ ये सवाल, बीजेपी सरकार नहीं, कोई सरकार में नहीं आ रही, 8 घंटा की जगह 10 घंटा काम करा रहे हैं, समय बढ़ता नहीं है, घट जाता है, फिर पहले पहुंच जाते हैं, लेट बढ़ा है, कब होगा, समय पर सही सही मजदूरी नहीं मिल पा रही है, कोई सी किसी की भी सरकार हो उससे मतलब नहीं है, मजदूर को चाहिए कि सही मजदूरी मिले, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या भाई गलत है, बोलो सही है, मजदूरी मिले, 8 घंटे पिछले सरकार में कैसा काम धंधा था, अच्छा ये बताइए राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के लाइन में है तो क्या लग रहा है उनको बनाना चाहिए प्रधानमंत्री, अगर उनके पास बहुमत होगी तो क्यों नहीं बनेंगे, जरूर बनेंगे, अच्छा जनता को कैसे लग रहा है प्रधानमंत्री के रूप में, सही लगेंगे राहुल गांधी, देखिए उनको राजनीति क्या चीज मिली है, विरासत में मिली है ना, तो अब उनकी गलती थोड़ी है विरासत, नहीं नहीं गलती हो चाहे नहीं उनकी राजनीति जो है कैरियर जो है जो भी कैसे हो, लेकिन राजनीति उनको विरासत मिली है, अभी 20 साल से है राजनीति में, कम से कम हमको जहाँ तक याद है 20 साल से राजनीति में, आगे बढ़े प्रधानमंत्री के लायक है, बन जाए अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है,
लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी मोदी को ही लाएंगे। अभी जो हेडलाइंस में है हाँ। उसी को लोग बात मानते हैं, उसी के बाद उसी के चर्चा करते हैं, इधर उधर चर्चा नहीं करते हैं। ये कह दिया शेर शेर शेर, हाँ लाइन लाइन में एक शेर 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 के पीछे दौड़ते रहे वही लोग, उसमें मतलब नहीं है। मतलब किसी के भी सरकार आए लेकिन मजदूरों के संग 8 घंटा के 10 घंटा नहीं ड्यूटी कराए हैं। बीच बीचवा जो था पहले, पहले भी वही था, आज भी वही है, वही साला बीच में खा जा रहा है पैसा हम लोग का। कौन खा रहा है? जा रहे हैं लोटिंग में बीच में पैसा खा जा रहा है सब। चाचा कहा आप क्या कहेंगे, कौन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए मोदी जी को दोबारा? बदलना तो जरूरी है यार, बदलना जरूरी है। क्या किए 10 वर्ष तो देखो, अरे हमने विकास कर दिया है। कहाँ विकास है, और गरीबी आ गई रोड पर, विकास कहाँ है? अरे कहे कह रहे बहुत विकास हो गया है। विकास नहीं है, वो लोग का विकास है। पहले झाड़ी 300 चलती थी, अब हमने 500 कर दिया। आलू 5 रुपया खरीद के 35 रुपया बेचते हैं लोग, बनिया 6 महीना में 5 गुना। जिसके पास पैसा है वो कमा रहा है धर के, जिसके पास नहीं है। बीजेपी सरकार तो ये है, देखिए भुखमरी। तो दोबारा कांग्रेस आनी चाहिए क्या? कांग्रेस तो देश आजाद किया तो कांग्रेस आएगी नहीं, कब दिन भिलवाओगे? अच्छा 15 लाख रुपया गए नरेंद्र मोदी का खाता में, सबका खाता जन धन का है, याद है 15 लाख? और उसी पर तो वोटिंग हुआ, बुलाए नहीं अभी तक। बैंक है उसमें जाते हैं तो बोलता है 10,000 से ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते। जनधन योजना जो बैंक है, मेरा कोटक महिंद्रा बैंक है, उसमें 10,000 से ज्यादा अगर आपके पास किसी आदमी के पास हो गया तो एक साथ जमा नहीं कर सकते। अगर एक साथ झाड़ी आपको अगर मान लो 15-20 हजार रुपए मिल गई, फिर नहीं जमा कर सकते, फिर कहाँ ले जाएंगे? ब्लैक मनी मिले जाएंगे? वही तो हमको समझ में नहीं आता, उससे हम लड़ेंगे। आप बताइए बैंक से जाके लड़े हम लोग, ये पूछना चाहते हैं सरकार से, इसमें क्या कर रहे हैं, क्या कदम उठारी है, तो उठा पाएगी कि नहीं? अरे राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के लाइन में और मोदी जी भी लाइन में, तो कौन सा चेहरा सबसे बेस्ट है? मोदी जी काहे? अरे हम लोग आज तक मोदी को देते आए हैं वोट, इसलिए मोदी को देंगे। अच्छा। मोदी ने आज तक जितना भी किया है कोई और सरकार नहीं कर सकती। राहुल गांधी कितना भी अच्छा काम करते हैं फिर भी नहीं देंगे? अरे वो किए ही नहीं है ना, काहे 70 साल किए नहीं क्या कुछ? कहाँ किए हैं राहुल गांधी, किए क्या है? अरे हम तो मोदी के सपोर्ट में है, क्या नहीं किया है मोदी जी? कांग्रेस कहती है हम 0 से 100 रेट जो था कितना था जब से मोदी आए, क्राइम रेट उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे यूपी से लेकर हर जगह क्राइम रेट 0 है। अच्छा पहले की अपेक्षा 0 है। अच्छा तो इस बार मोदी को ही लाएंगे दोबारा? हम पहले ही मोदी को ही देते हैं। हाँ। आज से कम 15-20 साल जब से हमको चुनाव देने का वो नहीं था। हाँ। तब से हमारे घर वाले मोदी को देते हैं, आगे भी मोदी को देंगे। मैंने शायद आप भी देते थे, अब हम देंगे ना, अब तो 2 साल से हम दे रहे हैं और देंगे। अच्छा एक चीज बताइए, इतना मेहनत तो कर रहे हैं राहुल गांधी, कभी बड़ई के पास जा रहे हैं, कभी कूलियों के पास जा रहे हैं, कभी डिलीवरी बॉय के पास जा रहे हैं, आम लोगों से मिलने, आम जनता से मिलने। 70 साल जो मोदी ने, जो 70 साल कांग्रेस ने किया, जो 5 साल में मोदी कर दिए हैं। क्या कर दिए? बहुत चीज कर दिए हैं भैया, बताइए, ये गिनवा नहीं पा रहे, तुम गिनवा दीजिए। क्या मोदी ने क्या नहीं करवाया? घर घर सिलेंडर दिलवाया, जहाँ पे पहले लाइट की सिलेंडर भी 400 से 1000 कर दिया है, जो भी हो लेकिन हर घर घर में सिलेंडर हो गया। पहले बिजली की सुविधा, आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहां बिजली की सुविधा नहीं है, यूनिट भी बढ़ गई है सर, जो भी हो लेकिन कम से कम गांव देहात एरिया में 18 घंटा लाइट आज के टाइम में रहता है। मैं अपने गांव के बारे में जानता हूं, मेरे गांव में 18 घंटा की लाइट की सुविधा है, हम बलिया से बिलोंग करते हैं। और क्या किया है? और जैसे कि जितना भी मतलब नोटबंदी भले ही हुआ था, जितना ब्लैक मनी था उसको बहुत हद तक उसने बचा दिया। कह रहे हमें तो बताया ही नहीं, विपक्ष वाले कहते हैं कि कितना ब्लैक मनी आ गया कितना नहीं आया, ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना तो पता है कि कितने जब लॉकडाउन लगा हुआ, जब लगा था नोटबंदी उस टाइम 500-500 की गड्डी लोग नहर में फेंका करते थे यही दिल्ली और फरीदाबाद में। अच्छा। तो वो सारा ब्लैक मनी वाइट थोड़ी हो पाया, कितना आदमी वाइट करवा लिया होगा? सही बात है, 100% में मान के चलते हैं 40% वाइट करा लिया होगा, 60% तो बच गया। भैया जी आपको क्या लगता है, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री या मोदी सही लगेंगे? सही रहेंगे मोदी जी ज्यादा लग रही है मोदी जी की? मोदी जी जीतेंगे, काहे राहुल गांधी काहे नहीं? काला धन के लिए आप लोग बात कर रहे हैं, तो काला धन लाए नहीं, दबंगों से जमीन जो सरकारी छोड़ाए हैं, सरकारी खजाने में ही तो आया है वो काला ही धन, तो जनता को बताना भी तो जनता को जो पैसे ही दे देगा गवर्नमेंट, तो जनता काम करेगी? रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए जनता को? मिल रहा है सब कुछ, सही मिल रहा है, सब कुछ सही मिल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है भैया, बढ़िया बढ़िया चल रहा है, अब बताइए बढ़िया चल रहा है, एकदम टकाटक चल रहा है, टकाटक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है भाई, दिल से बताना, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, देखो मना कर रहे हैं, नहीं चल रहा है, बढ़िया चल रहा है भैया, कहने दो पब्लिक है, वो भी तो इंसान है, कोई भी काम अच्छा नहीं हो रहा है,
सही काम नहीं हो रहा है, काम धंधा नहीं है बता रहे। काम धंधा तो बहुत है, करने वाले नहीं है, कंपनी में भकेंगे। आप करते ही नहीं है, खड़े हैं इसीलिए, कमरे छोड़ के आए हैं, बच्चे बीवी बच्चे आए हैं काम के लिए यहाँ पे। ऐसा कंपनियों में इतना वैकेंसी है कि वर्कर नहीं मिल रहा है। आज के डेट में जाओ देखो, गली गली में बोर्ड लगा हर कंपनी में, कंपनी का वैकेंसी है, गांव में थोड़ी ना है। गांव में रहना चाहिए ना, जहां का रहने वाले वहां पे रहना चाहिए ना, है कि नहीं? ये मुद्दा सही पकड़ा। यहां पे तो सब कुछ है, गांव में तुम जहां का हो वहां पे है कुछ, ये देखो ना है। नहीं सरकार दे रही है, मछली पालन, मुर्गी पालन, भैंस पालन, गाय पालन, पालन दे तो डेट में जो हमारे गांव का जो नीतीश और लालू है क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, विकास कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, रहा कर तो रहा है जो सब। अरे विकास कर रहा है, क्या कर रहा है ये सब? कह रहे हम तरक्की कर रहा है बिहार का एकदम। पत्रकार था, छोटा सा पत्रकार था मनीष कश्यप, उसको भी साला अंदर डाल दिया। सिंचाई का आजकल का युग नहीं है, कह रहे गलती किया तब डाला। क्या गलती कर दिया? वो तमिलनाडु में क्या हो जाकर कर दिया? वो कहने वाला है लेबर यहाँ पे मारा नहीं खाता है, यहाँ पे मारा नहीं खाता है लेबर, चला यहाँ का भी गुजर है, कोई कोई किसी को वैल्यू है यहाँ पे, यूपी बिहार वाला का कभी भी यहाँ पे वैल्यू नहीं है। सच्चाई यही है, यही बात तो दिखाया, उसके बाद में जाकर के उसको अंदर टेल दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम जनता के बीच में मौजूद थे, यहाँ पे आम जनता थी, इनके मुद्दे भी सुने आपने। और इस बार ये प्रधानमंत्री राहुल गांधी या मोदी जी कौन से इनको पसंद आ रहे हैं, उस पर भी इनने चर्चा करी और बात करी। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जर्नी टाइम्स। धन्यवाद।